हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विक एंड टूल्स। और आज हम ट्विक एंड टूल्स के टनाटन पाइथन सीरीज में अगली वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लिस्ट के बारे में जानेंगे। पाइथन में लिस्ट क्या होता है? देखिए, लिस्ट का एक एग्जांपल मैं सबसे पहले दे देता हूँ। यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ पे वन कामा टू कामा सी कामा 3.5 कामा यहाँ पे एक टपल दे देते हैं एग्जांपल में। ठीक है, 1.2, ठीक है, एक टपल भी इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही इसको क्या करेंगे, अब इसको टपल वाला रहने देते हैं, रुक जाइए। जैसे इसको इंटर करते हैं, ये लिस्ट बन गया। ठीक है, ये क्या है आपका? देखिए, ये सिंपल एक लिस्ट है। ठीक, यानी लिस्ट क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। देखिए, लिस्ट क्या होता है? ये हेटरोजेनियस कलेक्शन ऑफ डाटा है, मतलब कि इसमें कोई भी डाटा टाइप इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये कर्ली ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। तो सिंपली यदि हम ये डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज लिस्ट, तो वी कैन से दैट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एनक्लोज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज लिस्ट। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एनक्लोज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज लिस्ट। समझ में आ गया? चलिए, तो ये एक लिस्ट है। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं लिस्ट का, क्लियर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये बी इज इक्वल टू 5.2.7.0.0 उठा देते हैं, 9.3.4। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है। पहली बात, ये एक लिस्ट है। लिस्ट अपने आप में क्या है? लिस्ट अपने आप में क्या है? एक डेटा टाइप है। कैसे पता चलेगा कि लिस्ट कौन सा, ये डेटा टाइप है कि नहीं है? तो सिंपल, टाइप को जानने के लिए हमारे पास क्या था? टाइप के लिए हमारे पास सिंपल था, ये क्या, एक टाइप फंक्शन था। हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और जान जाएंगे कि लिस्ट डेटा टाइप है कि नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे जाते हैं, क्या यहाँ पे जाएंगे, तो ये बी का टाइप हम देखेंगे कि बी का टाइप क्या है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंट टाइप बी। जैसे ही बी को टाइप करेंगे यहाँ पे प्रिंट और एंटर करेंगे, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बता रहा है ये लिस्ट। ठीक है, क्लास लिस्ट, यानी कि बी का जो टाइप है वो लिस्ट है। और ये यहाँ से प्रूफ होता है कि लिस्ट भी एक डाटा टाइप है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो पूरे के पूरे लिस्ट, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका डाटा टाइप है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं लिस्ट के, आइटम मतलब क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे लिस्ट का आइटम क्या है? ये 4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर इसमें 3.5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, या फिर 1 हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये आइटम्स कहलाते हैं लिस्ट के, यानी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर आइटम्स होते हैं, जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होते हैं, वही होते हैं। तो लिस्ट का टाइप तो डाटा टाइप लिस्ट ही है। और उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं या फिर डाटा आइटम्स होते हैं, या फिर आप एलिमेंट्स बोल दीजिए, उनका डाटा टाइप क्या होता है? तो लिस्ट के अंदर के जो आइटम्स होते हैं, उनका डाटा टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है। वो चाहे नंबर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, खुद अपने आप में लिस्ट को भी लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। यानी जितने भी डाटा टाइप को पाइथन सपोर्ट करता है, वो सारे के सारे लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। समझ में आया? यानी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, उनका डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, एनी डाटा टाइप। ओके, क्लियर। अब इस सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। तो ये लिस्ट हो गया। ठीक, यानी कि इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है, वो किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, बस वो कामा से सेपरेट होना चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो वो लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब एक और चीज़, ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे? लिस्ट का ऑर्डर क्या होता है? देखिए, लिस्ट के डाटा आइटम का ऑर्डर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये ही है बी, बी है ना, बी को प्रिंट कर देते हैं बी। तो ये बी जो है, बी में अगर यहाँ पे देखा जाए, ये क्या है? ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, और 5 पोजीशन। समझ में आ गया? यानी कि हर एक एलिमेंट एक फिक्स पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, यानी फिक्स पोजीशन पे है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को लिस्ट का ऑर्डर कहते हैं। समझ में आ गया बात? क्लियर, ये लिस्ट का ऑर्डर फिलहाल के लिए फिक्स है।
लिस्ट का ऑर्डर फिक्स रहता है, उसके ऊपर जो डाटा आइटम था वो चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है, तो हाँ है। देखिए यहाँ पे 4 है और फिर से यहाँ पे 4 आ चुका है, यानी लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है। ठीक है, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट हो सकता है। हाँ, वो अलग अलग लोकेशन पे होगा, जैसे ये पहला 0 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, तो दूसरा लास्ट वाला क्या है, 5th पोजीशन पे। समझ में आ गया, क्लियर। अब देखते हैं लिस्ट का लेंथ क्या होता है और कैसे पता किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पोजीशन जो है इंडेक्सिंग उसकी है 0 से लेकर के 5 तक है, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, 6 एलिमेंट। तो लिस्ट का लेंथ मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे या फिर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वही लिस्ट का लेंथ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, या फिर टोटल कितने आइटम्स हैं, 6 आइटम है, तो लिस्ट का लेंथ कितना हुआ, 6 हुआ। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिससे लिस्ट का लेंथ को निकाला जा सके, हाँ है, पहले से है। तो कौन सा फंक्शन है भाई, देखिए इसको क्लियर करेंगे, उसका नाम है लेन फंक्शन। वही लेन फंक्शन जिससे हम स्ट्रिंग का लेंथ निकालते थे या फिर बाकी चीज़ों का लेंथ निकालते थे। तो देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, सिंपल। मान लीजिए हमको किसका लेंथ निकालना है, हमको मान लीजिए लेंथ निकालना है किसका, ए का है या फिर बी का, तो लेन करेंगे और बी करेंगे। ठीक है, प्रिंट कर देंगे लेन बी, प्रिंट, और क्या करेंगे यहाँ पे लेन क्या करेंगे, बी कर देंगे। ठीक है, और जैसे एंटर करेंगे तो ये 6 दिखा रहा है, क्योंकि तो ये बताता है कि इसमें टोटल कितने आइटम्स हैं, 6 है। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये डेटा आइटम्स हो गए। ठीक, अब एक और चीज होता है लिस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, जो कंस्ट्रक्ट करता है, क्या कंस्ट्रक्ट करता है, लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू लिस्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये टपल है, ये टपल जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ए इजिक्वल टू क्या है, 1 1 कामा 2 कामा 3, नहीं 1 2 3, ठीक है, क्या है, 1 2 3। ठीक है, इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली बी इजिक्वल टू लिस्ट और क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। ठीक है, और जैसे ही इसको एंटर करेंगे बी क्या बन चुका होगा, लिस्ट बन चुका होगा। बी को प्रिंट करते हैं, देखिए, और ये किस टाइप का लिस्ट है, ये स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट है, यानी ये क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा आपको ना, ये लिस्ट लिस्ट और ये ब्रैकेट, इस पूरे को क्या कहते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये एक फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है जो कि किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सीक्वेंस है स्ट्रिंग का, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, लिस्ट में, देखिए लिस्ट में कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, ए किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था, और ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर क्या किया है, ए को किस में कन्वर्ट कर दिया है, लिस्ट में। तो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। तो लिस्ट के अंदर अभी यही इंट्रोडक्शन हम रखते हैं, लिस्ट क्या था, उसका लेंथ क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आगे हम वन बाय वन लिस्ट के जो भी अदर चीजें हैं, जैसे एक्सेस कैसे किया जाता है और भी क्या होता है, वो सब के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, एक और इंडेक्सिंग छूट गया है, वो इंडेक्सिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ नीचे में क्या था, यहाँ पे 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, यानी पॉजिटिव इंडेक्स जो होता है वो नीचे में 0 से लेके 1 से लेके 5 तक जाता है, जो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट से स्टार्ट होकर के किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, 0 से लेकर के 5 तक, यानी 0 से लेकर के जो भी लेंथ होगा उससे एक कम तक जाएगा। ठीक, एक और इंडेक्सिंग होती है, वो क्या होता है, सिंपल, जो राइट टू लेफ्ट जाता है, क्या जाता है, राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से इधर जाता है, वो -1 से होगा, -2 से होगा, -3, -4, -5 और माइनस लेंथ। यानी कि अब इस अरेंजमेंट में अगर देखा जाए, तो अगर कोई पूछेगा कि लिस्ट का पहला एलिमेंट कौन सा है, तो 0 पोजीशन पे जो रहेगा वो पहला एलिमेंट है, और कोई पूछेगा किसी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो जो -1 पोजीशन पे रहेगा वो लास्ट एलिमेंट है या फिर लास्ट आइटम है। समझ में आ गया, आगे हम देखेंगे इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, लिस्ट में कैसे एक्सटेंड किया जाता है, और कई सारा लिस्ट के फंक्शन है उसके बारे में हम लोग ये आगे जानेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये लिस्ट का इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको ये समझ में आए। क्लियर।
तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।